A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 24th December. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Change in Chile. देखो चिले क्या है? चिले एक पर्टिकुलर कंट्री है जो कि साउथ अमेरिका के अंदर है. चेंज इन चिले, चेंज का मतलब हो गया परिवर्तन. तो वहां पर चिले के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन आया है. ऑन लेफ्ट विंग वामपंथी लीडर नेता गैब्रियल बोरिस विन. तो वहां के जो एक वामपंथी नेता है गैब्रियल बोरिस, जिनकी अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए वहां पर, और उन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर गैब्रियल जो कि एक वामपंथी एक नेता है उनकी वहां पर जीत हुई है. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. लेफ्ट विंग लीडर यानी जो वामपंथी लीडर है नेता है गैब्रियल बोरिस नाउ फेसेस, उनको सामना करना पड़ेगा द डॉन्टिंग चैलेंज. डॉन्टिंग का मतलब हो गया स्केरिंग यानी कि डराने वाले. चैलेंजेस का मतलब उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. और वॉकिंग द टॉक ये एक idiom है जिसका मतलब हो गया पुटिंग द वर्ड्स into एक्शन. मतलब जो शब्द मतलब जो आपने बोले थे अब उनको एक्शन में भी क्या करना लेकर आना. तो जो गैब्रियल बोरिस है उन्होंने अपने जो इलेक्शन का जो कैंपेन था तो उस दौरान उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे. अब उन प्रॉमिसेस को एक्शन में लेकर आना उनको बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कहना आसान होता है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना उसको एक्शन में लाना बहुत डिफिकल्ट होता है. द स्वीपिंग विक्ट्री, स्वीपिंग का मतलब होता है ह्यूज विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत ऑफ गैब्रियल बोरिस जो कि फिलहाल जो कि एक वामपंथी नेता है कहां पर चिले के अंदर. उनका एज 35 ईयर्स ओल्ड है. लेफ्ट विंग वामपंथी नेता है. इन संडेस प्रेजिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन का मतलब फाइनल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो फाइनली वहां पर अभी प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए संडे को जिसके अंदर गैब्रियल बोरिस जो कि 35 ईयर्स ओल्ड है और वो एक वामपंथी नेता है उनकी जीत हुई है एक तरीके से. इज अ टेस्टमनी, टेस्टमनी मतलब एन एविडेंस, ये एक सबूत है टू हाउ चिले हैज चेंज्ड. इस बात का सबूत है कि किस तरीके से चिले के अंदर राजनीतिक परिवर्तन आया है. वन ऑफ द बेस्टेंस ऑफ द फ्री मार्केट ऑर्थोडॉक्सी इन लैटिन अमेरिका. और ये जो चिले की अगर बात की जाए तो बेस्टिंस का मतलब हो गया एक तरीके से आप कह सकते हैं अ ग्रुप दैट डिफेंस अ प्रिंसिपल. रन ऑफ का मतलब होता है फाइनल. और ये मतलब जो चिले है वो क्या है, चिले एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसी जगह है जहां पर फ्री मार्केट क्या होता है, देखें फ्री मार्केट वो होता है जहां पर किसी भी पर्टिकुलर जो कंपटीशन होता है बिजनेस के अंदर वहां पर किसी भी तरह का कंपटीशन के लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर या कोई किसी तरह की वहां पर रूल एंड रेगुलेशंस नहीं लगाई जाती हैं. तो ऑर्थोडॉक्सी का मतलब हो गया एक तरीके से आप बिलीफ, ऐसा विश्वास करना. तो चिले के अंदर अभी फ्री मार्केट का एक रूढ़िवादी मतलब एक विचारधारा है जिसके अंदर फ्री मार्केट को प्रमोट किया जाता है जो कि लैटिन अमेरिका की अगर बात की जाए लैटिन अमेरिका के अंदर ये पार्ट है. तो वन ऑफ द बेस्ट इन ऑफ फ्री मार्केट ऑर्थोडॉक्सी इन लैटिन अमेरिका. तो उसी तरीके से देखा जाए तो चिले के अंदर भी क्या है, चिले के अंदर भी कहीं ना कहीं ये जो एक थॉट प्रोसेस है किसका, फ्री मार्केट की अगर बात की जाए तो उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई लेकिन जो गैब्रियल बोरिस है उन्होंने इसको अपोज किया. आगे हम इस आर्टिकल में पढ़ने वाले हैं. चिले हैज बीन रॉक्ड, रॉक्ड का मतलब हिला देना, बाय एंटी इनइक्वालिटी प्रोटेस्ट फॉर मोर देन 2 ईयर्स. और चिले जो है वो भी बुरी तरीके से हिल गया क्योंकि पिछले 2 सालों से जो एंटी इनइक्वालिटी प्रोटेस्ट, एंटी
इनइक्वालिटी असमानता, क्योंकि वहां पर जो बहुत सारी असमानता दिखाई पड़ती है चिले के अंदर, तो उसको लेकर वहां पर अक्सर विरोध किए जाते रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जाते रहे पिछले 2 सालों से, और चिले इन प्रोटेस्ट से पूरा का पूरा हिलकर रह गया। मिस्टर बोरिस वन ऑफ द प्रोटेस्ट लीडर्स, और मिस्टर बोरिस भी उनमें से एक लीडर थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उस इनइक्वालिटी के अगेंस्ट, हु प्रोमिस टू बरी नियो लिबरलिज्म। देखो अभी एक नया टर्म है नियो लिबरलिज्म, जिसका मतलब होता है अ पॉलिसी, एक ऐसी पॉलिसी दैट एम्फसाइज, जो इस बात पर जोर देती है द वैल्यू ऑफ फ्री मार्केट कंपटीशन। तो ये जो नियो लिबरलिज्म है, जिसका मतलब होता है जो कि फ्री मार्केट को क्या करती है, फ्री मार्केट कंपटीशन को एम्फसाइज करती है, यानी कि वहां पर किसी भी तरह की कोई स्पेसिफिक रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होगी, और मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस करने के लिए फ्री है, तो उस तरह का कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए मतलब नियो लिबरलिज्म नाम का एक थॉट प्रोसेस है, जिसको जो चिले के फिलहाल जो लीडर है गैब्रियल बोरिस, उन्होंने क्या किया था, चैलेंज किया था, और उन्होंने इस बात को प्रॉमिस किया था कि वो जैसी अगर सत्ता में आएंगे तो उसको क्या कर देंगे, बरी कर देंगे, इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही नियो लिबरलिज्म को ही क्या कर देंगे, दफना देंगे ड्यूरिंग हिज कंपेन। और जब अपनी वो इलेक्शन कंपेन कर रहे थे तो उन्होंने इस बात का जोर देकर दावे के साथ कहा था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो नियो लिबरलिज्म का जो एक थॉट है उसको क्या कर देंगे, कंप्लीटली दफना देंगे, बट बिल्ड एंड अलायंस ऑफ सोशल डेमोक्रेट्स। और उन्होंने क्या किया, अपना एक अलायंस बनाया, अपना एक गठबंधन बनाया, किसके साथ, सोशल डेमोक्रेट्स और जो कम्युनिस्ट लोग थे वहां के चिले के, उनके साथ मिलकर एक क्या बनाया, एक संगठन बनाया, एक गठन किया, एंड टुक ऑन का मतलब होता कंपीट करना, किसी का सामना करना, द रिपब्लिकन पार्टी जॉस एंटिनो कास्ट, जो कि वहां के स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उस लीडर को हराने के लिए गैब्रियल बोरिस ने वहां के जो सोशल डेमोक्रेट्स थे या कम्युनिस्ट लोग थे उनके साथ मिलकर अपना एक अलायंस बनाया, और रिपब्लिकन पार्टी के जोश एंटोनियो जो कास्ट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, उनको हराया, और उसके बाद वो यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत गए। वाइल मिस्टर बोरिस प्रॉमिस टू बिल्ड अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी इन वन ऑफ द मोस्ट इनइक्वल कंट्रीज, और कहीं ना कहीं मिस्टर बोरिस ने चिले को अनइक्वल कंट्री कहा है, मतलब वहां पर बहुत सारी असमानताएं हैं इसके अंदर, चिले के अंदर, और उन्होंने इस बात का प्रॉमिस किया कि वो एक मतलब क्या करेंगे, एक इक्विटेबल सोसाइटी का निर्माण करने की कोशिश करेंगे, इक्विटेबल मतलब जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिलते हैं, तो एक ऐसा समाज जहां पर समानता होगी, वो उस तरह के समाज का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर कास्ट जो कि फिलहाल गैब्रियल के अगेंस्ट हार गए हैं, अ डिफेंडर ऑफ मिलिट्री रिजीम का मतलब शासन हो गया, और जो मिस्टर कास्ट है वो हमेशा से ही मिलिट्री शासन की अगर बात की जाए उसके फेवर में रहे, उसको डिफेंड करते आए हैं, एंड पोजिशनड हिमसेल्फ एज ए कैंडिडेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से पोजिशन का मतलब अपने आप को इस तरीके से उन्होंने अपनी पोजीशन को दिखाया है कि वो एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि इकोनॉमिक, जो कि अर्थव्यवस्था को क्या करने की, अर्थव्यवस्था को प्रमोट करने की या अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं। अनब्लेम्ड एट द सेम टाइम मिस्टर कास्ट ने क्या किया, अर्थव्यवस्था के अंदर जो फिलहाल वहां की जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ा गई है, तो उसके पीछे उन्होंने ब्लेम किया है माइग्रेंट्स, जो कि दूसरे पर्टिकुलर कंट्री से, माइग्रेंट मतलब प्रवासी होते हैं जो कि दूसरे कंट्री से वहां पर आ गए हैं, टेररिस्ट, और वहां पर अक्सर जो आतंकवादी जो है वो एक बड़ा रीजन है, एंड नार्को ट्रैफिकर्स, नार्को मतलब हो गया इलीगल ड्रग्स की जो सप्लाई करते हैं, ट्रैफिकर्स जो इलीगल तरीके से उसका अवैध बिजनेस करते हैं, नार्को ट्रैफिकर्स फॉर चिले एग्नीस, एग्नीस का मतलब हो गया सफरिंग, और ये सारे के सारे मतलब चिले के अंदर जो इतना दुख दर्द है, इन सभी के लिए उन्होंने जो माइग्रेंट्स हैं, टेररिस्ट हैं, नार्को ट्रैफिकर्स हैं, उनको क्या किया, ब्लेम किया, उनके ऊपर दोष लगाया। तो फिलहाल
देखा जाए तो हमने इस स्लाइड में देखा कि गैब्रियल जो बोरिस हैं उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है और मार्च में वो अपना शपथ लेंगे और उन्होंने किनको हराया है, मिस्टर कास्ट को उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर हराया है और उन्होंने बहुत सारे कुछ कमिटमेंट्स किए हैं, जैसे ही वो सत्ता में आ जाएंगे तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करेंगे लेकिन उनको बहुत सारे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा. राइट, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट. देखिए चैलेंज आपका नाउन हो गया तो डॉन्टिंग आपका वी वन प्लस आई एन जी यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है. वॉकिंग द टॉक ये आपका एक फ्रेज या एडियम हो गया है जिसका मतलब होता है पुटिंग द वर्ड्स इनटू एक्शन, मतलब जो शब्द आपने कहे हैं उनको एक्शन में लेकर आना, वॉकिंग द टॉक हो गया. हैज चेंज्ड आपका हैज के बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है. हैज बीन रॉक्ड ये भी प्रेजेंट परफेक्ट हो गया बट बीन रॉक्ड जो कि V3 आपने यूज कर लिया बी के बाद जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है तो इसलिए आपने यहाँ पे लीडर्स यूज कर लिया. टुक ऑन का मतलब यहाँ पे कंप्लीट करने के सेंस में है. राइट, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड. नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड. द पोलस्टर्स, पोलस्टर्स कौन होते हैं जो कि इलेक्शंस के लिए अपने ओपिनियन को रखते हैं. द वन Who analyze opinion poll, मतलब कि कौन सी पर्टिकुलर पार्टी जीतने वाली है, ऐसे जो लोग जो कि पोल को लेकर अपने ओपिनियन देते हैं, अपना एंटिसिपेशन देते हैं, अंदाजा देते हैं. द पोलस्टर हैड प्रिडिक्टेड और जो पोलस्टर्स थे उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया था, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था. प्रिडिक्ट का मतलब घोषणा करना या भविष्यवाणी करना, अंदाजा लगाना. अ नैरो लीड फॉर मिस्टर बोरिक यानी कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जो कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे उसके अंदर मिस्टर बोरिक की जो जीत होगी, बोरिस की जो जीत होगी वो ज्यादा नहीं होगी बल्कि नैरो होगी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाए तो मिस्टर बोरिस का जो जीत था वो स्वीपिंग विक्ट्री, एक ह्यूज विक्ट्री थी वो. बट हिज 12-point ट्राइम ओवर मिस्टर कास्ट बाय सिक्योरिंग अबाउट 56% वोट्स मार्क द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल कमबैक ऑफ चिलियन लेफ्ट. और उनके जो 12 पॉइंट्स थे, उन्होंने कुछ 12 पॉइंट्स के ऊपर अपना पूरा जो एक इलेक्टोरल कंपेन था उनका, जो कि चुनावी जो कंपेन था उनका, उन 12 पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने क्या किया, पॉइंट ट्राइम्प ओवर. ट्राइम्प ओवर का मतलब अपनी जीत हासिल की किन के ऊपर, मिस्टर कास्ट के ऊपर. और उन्होंने 56% वोट उन्होंने सिक्योर किए और ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल कमबैक है चिले के अंदर किसी भी वामपंथी नेता का. और इस तरीके से वामपंथी नेता है जो मिस्टर बोरिस, उनका कमबैक हुआ है विच हैड अंडरगॉन सिस्टमेटिक प्रोसिक्यूशन ड्यूरिंग द यूएस बैक्ड मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन जनरल ऑगस्टो पिनोशे. और मतलब अगर बात की जाए एक लंबे टाइम के बाद कोई भी वामपंथी लीडर जो है इतने अच्छे तरीके से उसने कमबैक किया है क्योंकि विच हैज अंडरगॉन, अंडरगॉन का मतलब गोइंग थ्रू, अंदर से जाना किसी चीज का. सिस्टमेटिक परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब हो गया इल ट्रीटमेंट. यूएस बेक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, तानाशाही. और वहां पर जनरल ऑगस्टो पिनोशे नाम से एक तानाशाह थे जिन्होंने, जिनका यूएस को बैकअप था, यूएस उसको बैकअप करता था. और ये जो वामपंथी लोग हैं उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाता था, उनको इल ट्रीट किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था. और उसके बाद एक लंबे टाइम के बाद मतलब एक वामपंथी नेता जो है उसका इतना बड़ा कमबैक हुआ है क्योंकि इससे पहले जनरल ऑगस्टो पिनोशे जो कि एक डिक्टेटर थे उन्होंने वहां पर चिले के अंदर राज किया. जनरल पिनोशे हु टॉपल्ड, टॉपल्ड का मतलब होता है उल्टा देना, टम्बल्ड द सोशलिस्ट प्रेसिडेंट साल्विदोर एलेंदे. और मतलब जो जनरल पिनोशे हैं उन्होंने क्या किया था, सोशलिस्ट प्रेसिडेंट और उस टाइम के समाजवादी जो एक राष्ट्रपति थे साल्विदोर एलेंदे, उनको उनकी पार्टी को, उनको उनका जो शासन था उसको क्या कर दिया था, टॉपल्ड कर दिया था. और वहां पर मिलिट्री रिजिम यानी एक जो कि एक सेना का जो राज है वहां पर एस्टेब्लिश किया था इन 1973 के अंदर जनरल पिनोशे ने, जो सोशलिस्ट प्रेसिडेंट साल्वाडोर अलेंदे थे उनका
शासन को खत्म करके वहां पे मिलिट्री राज वहां पर लगा दिया था, लेड द फाउंडेशन ऑफ चिली नियो लिबरल स्टेट, और वहां पर नियो लिबरल का मतलब होता है नव उदारवादी स्टेट, और उसको चिले को मतलब एक नव उदारवादी स्टेट की तरह उसने क्या कर दिया था, उसको उसका फाउंडेशन रखा था। तो इस तरीके से मतलब जनरल अगस्ते ने क्या किया था, वहां पर अपना मिलिट्री राज को एस्टेब्लिश कर लिया था, अपनी तानाशाही को वहां पर एस्टेब्लिश किया था। हिज रिजीम, और उनका जो शासन था, किनका, जनरल अगस्तो पिनोशे का जो रिजीम था, उनका जो शासन था, फेल इन 1990 में उनका शासन क्या हो गया, नीचे गिर गया। बट द स्टेट अप्रोच अप्रोटेस का मतलब हो गया एक तरीके से सेटअप, लेकिन उनका जो स्टेट सेटअप था, जो उसने क्या किया था, एक सेटअप बनाया था, ही बिल्ट सर्वाइव, लेकिन वो जो उनका स्टेटस मतलब वो जो उनका एक तानाशाही वाला जो एक शासन उन्होंने बनाया था, एक सेटअप उन्होंने बनाया था, हालांकि उनका शासन चला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेटअप क्या है, वो बना रहा, सर्वाइव करता रहा, इंक्लूडिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने जो शासन बनाया था, जो संविधान बनाया था, उस संविधान को ही फॉलो किया जाता रहा था। लेकिन अभी मिस्टर बोरिस जो कि एक वामपंथी नेता है, उनको उनकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जीत हुई है, और अब एक नई वो असेंबली बनाएंगे, कुछ नए रूल एंड रेगुलेशंस वहां पर बनाए जाएंगे। नाउ व्हेन एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्टेड निर्वाचित कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो अब संविधान है वहां पर असेंबली है, इज राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और अब वहां के जो निर्वाचित जो असेंबली मेंबर्स हैं वो क्या करेंगे, राइटिंग ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वो अब एक नया संविधान लिखेंगे, किसके लिए, फॉर चिले, चिले के लिए, क्योंकि उससे पहले तो जो अगस्तो पिनोशे थे उन्होंने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था अपनी तानाशाही के दौरान, वही फिलहाल फॉलो किया जा रहा था चिले के अंदर, लेकिन अभी एक नई सरकार बनेगी और उसके अंदर जो भी नए जो लेजिस्लेटर रहेंगे वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे चिले के लिए, एंड ब्रिंगिंग एन एंड टू पिनोशेस इन्फ्लुएंस, और फिलहाल जो पिनोशे जो कि एक तानाशाही थे जिनका अभी तक इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमेशा के लिए क्या कर देंगे, ब्रिंग इन एन एंड, ब्रिंगिंग एन एंड का मतलब उनका जो प्रभाव था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और अब चिले के अंदर एक नया संविधान लागू होगा। द कंट्री विल हैव द मोस्ट लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट सिंस एलेंदे, और एलेंदे के बाद शायद एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अगर कोई वामपंथी नेता आया है तो मिस्टर बोरिस है वो एक, क्योंकि मिस्टर एलेंदे के बाद तो अगस्ते पिनोशे ने वहां पर अपनी तानाशाही लगा दी थी, और उस तानाशाही के बाद अब मिस्टर बोरिस वहां का प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट उनको चुना गया है। मिस्टर बोरिस हैज प्रोमिस्ड, मिस्टर बोरिस ने इस बात का प्रोमिस किया, वायदा किया है, फाइट द प्रिविलेज फॉर फ्यू एंड टैकल पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, और मिस्टर बोरिस ने इस बात का वायदा किया है कि प्रिविलेज का मतलब स्पेशल राइट्स, कि वो लोगों के लिए स्पेशल राइट्स के लिए क्या फाइट करेंगे, और गरीबी है उसको उसको टैकल करेंगे, उसका सामना करेंगे, और इनइक्वालिटी को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ही हैज अपोज बिग टिकेट माइनिंग प्रोजेक्ट्स, बिग टिकेट का मतलब हो गया एक वेरी एक्सपेंसिव, और जो चिले के अंदर जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव माइनिंग प्रोजेक्ट्स, वहां पर खनन का काम जो चल रहा है, खाद वगैरह जो खनन होता है, तो माइनिंग जो प्रोजेक्ट है उसको क्या करेंगे, अपोज कर, उन्होंने अपोज किया है एज ए पार्ट ऑफ हिज क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्लान, क्योंकि उससे जो वहां का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, खराब होता है, और क्लाइमेट प्रोटेक्शन प्लान के तहत उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव जो माइनिंग प्रोजेक्ट है उसको अपोज किया है। ही वॉन्ट्स टू रेज टैक्सेस बाय 8% ऑफ GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो भी होगा उस पर 8% तक वो टैक्स को बढ़ाएंगे। Abolish the unpopular private pension funds. Unpopular मतलब जो famous नहीं है, unpopular, और वहां पर abolish करेंगे, उसको हटाएंगे। जो private pension fund है वहां पर एक scheme है, उस private pension को भी क्या करेंगे, वो abolish करेंगे, हटा देंगे। And shorten the working week to 40 hours. और जो हफ्ते का मतलब 40 मतलब पहले क्या बहुत ज्यादा है, और उसको 40 आज तक ले आएंगे, यानी वर्किंग जो वीक रहेगा वो 40 घंटे का कर देंगे वो। एंड रेज द मिनिमम वेज, और जो मजदूरी होती है उस मजदूरी को भी बढ़ा देंगे। एंड क्रिएट अ यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम,
हेल्थ केयर सिस्टम, और वहां की जो हेल्थ फैसिलिटीज होंगी वो भी बहुत अच्छे तरीके से उनको वो स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। और ये सारे के सारे वायदे उन्होंने अपने जो जो इलेक्शन का कंपेन है उसके दौरान उन्होंने किया था। अब ये सारे के सारे जो वायदे उन्होंने इलेक्शन के दौरान किए इनको एग्जीक्यूट करना बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है मिस्टर बोरिस के लिए, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड, नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, हैड प्रिडिक्टेड, ये हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, बाय प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अपने सिक्योरिंग यूज कर लिया जो कि वी वन प्लस आई एन जी है जो कि आपका जीरंड है यहाँ पर, और एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट आपका नाउन हो गया तो इलेक्टेड आपका वी थ्री जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, इसका साउंड वोवल है तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। दीज प्रोमिसेस, और ये सारे के सारे जो प्रोमिसेस मिस्टर बोरिस ने किए हैं वर द क्रक्स, क्रक्स का मतलब होता है एक तरीके से एपिटोम, निष्कर्ष of the progressive election perform he built, क्योंकि जो उन्होंने एक अपना जो एक कंपेनिंग की अपने इलेक्शन को लेकर, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स उन्होंने रखे, इन पॉइंट्स को देखते हुए उनको इतनी अच्छी जीत मिली है प्रेजिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, उनकी जीत हुई है, ये सारे के सारे वो पॉइंट्स थे जिसके ऊपर उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ा, अपना कंपेनिंग की। मिस्टर बोरिस हु वुड बी स्वॉन इन ऑन March 11, 2022, यानी मिस्टर बोरिस जो है वो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन पर जीत चुके हैं लेकिन वो एज ए प्रेजिडेंट शपथ लेने वाले हैं, वुड बी स्वॉन, स्वॉन का मतलब टेक एन ऑथ, वो शपथ लेने वाले हैं एज ए प्रेजिडेंट 11 मार्च 2022 को वो लेंगे, एंड फेस इज द डॉन्टिंग चैलेंज ऑफ वॉकिंग द टॉक। डॉन्टिंग का मतलब स्केरिंग, डराने वाले, चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वॉकिंग द टॉक का मतलब हो गया जो उन्होंने वर्ड्स बोले थे उनको एक्शन में लाने में उनको बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिसेस तो कर दिए लेकिन उन प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट करने में उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। हिज लेजिग्लेशन एजेंडा, लेजिग्नेशन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ मेकिंग और इन एक्टिंग लॉज, यानी कानून बनाने की जो एक प्रक्रिया होती है उसको लेजिग्लेशन बोलते हैं, और उनका जो कानून बनाने का जो एजेंडा है would be met with strong opposition in parliament, और definitely सी बात है वो बहुत सारे कानून के अंदर changes करने वाले हैं लेकिन उस कानून को changes करने से पहले उनको बहुत ही strong opposition का सामना करना पड़ेगा, उसको 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 oppose किया जाएगा, उसको विरोध किया जाएगा parliament के अंदर। The senate evenly split between the right and the left, देखो सीनेट वहां का जो पार्लियामेंट है उसके लिए यूज किया गया है, और जो सीनेट है यानी पार्लियामेंट जो है वो ऑलरेडी मतलब दो धड़ों में बटा हुआ है, राइट विंग और लेफ्ट विंग में वहां पर बटा हुआ है, एंड इन द 5155 मेंबर्स चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज, और वहां पर जो टोटल मेंबर्स है 155 मेंबर्स हैं, डिप्यूटीज मेंबर्स हैं, यानी 155 मेंबर्स का वहां का एक असेंबली कह सकते हो आप। His collision, collision का मतलब हो गया alliance, और जो मिस्टर बोरिस का जो collision है उनका जो alliance है उसका जो गठबंधन है has only 37 MPs, और उनका जो गठबंधन है उस गठबंधन के पास सिर्फ 37 ही MPs है, member of parliament है। Sagging growth, sagging मतलब slow growth and high inflation, और जिले के अंदर जो growth है कहीं ना कहीं would limit new government spending agenda, और कहीं ना कहीं जो slow growth है और हाई इन्फ्लेशन जो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, वुड लिमिट न्यू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एजेंडा, और ये जो वजह रहेंगी जिससे कि उनका जो एक एजेंडा है गवर्नमेंट का पैसा खर्चने का उसको लिमिट करने वाला, उसको रोकने वाला है क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है और एट द सेम टाइम महंगाई बहुत ज्यादा है। इफ ही गोज अहेड विद द प्लान टू रेज टैक्सेस ऑन द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का मतलब ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनकी बात की जा रही है, और अगर मिस्टर बोरिस जो है अगर वो अपने इस प्लान के साथ चलते रहे और उन्होंने अगर टैक्सेस को बढ़ा दिया, इन बड़े बड़े जो बिजनेस जो हाउसेस हैं उनके ऊपर टैक्स को बढ़ा दिया, एट द सेम टाइम अबोलिश प्राइवेट पेंशन, और जो प्राइवेट पेंशन से अगर उनको वो खत्म कर देते हैं, उसको हटा देते हैं वहां से, एंड वेव ऑफ छोड़ देना, वेव ऑफ का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना, और अगर उन्होंने जो स्टूडेंट डेट है, डेट का मतलब यहाँ पर हो गया कर्जा, यानी जो बच्चों ने वहां पर अपना एजुकेशन लोन वगैरह हो गया या बच्चों के ऊपर जो कर्जा है उसको माफ कर देंगे वो। द प्राइवेट कैपिटल एंड ऑल पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट वुड रिवॉल्व, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं
जो कैपिटल, जो प्राइवेट बिजनेसमैन है और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जो उनकी पॉलिटिकल पार्टी के जो विरोधी हैं, अपोजिशन है, वुड रिवॉल्ट, वो डेफिनेटली सी बात है, उसके खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे, क्रांति करेंगे उसके खिलाफ, मतलब रिवॉल्ट का मतलब किसी के अगेंस्ट खड़े हो जाना, प्रोटेस्ट करेंगे एक तरीके से, डेफिनेटली सी बात है, इतने इजिली उनके चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं. लाइक वट हैपन्ड इन अदर लेफ्ट रूल स्टेट्स इन लैटिन अमेरिका, और इसी तरह का लैटिन अमेरिका के अंदर भी इसी तरह का केस देखने को मिला था. वहां पर लेफ्ट रूल, वहां पर भी वामपंथी, क्या था, वामपंथी सरकार थी और वहां पर भी इसी तरह का रिवोल्ट वहां पर देखने को मिला. मिस्टर बोरिस विक्ट्री हैज पुट विन इन द सेल्स. पुट विन इन द सेल्स का मतलब होता है, देखें, टू मेक समवन फील मोर कॉन्फिडेंट टू डू समथिंग, यानी कुछ, मतलब कुछ ऐसा होना जिससे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं. तो ये जो जीत है उसने मिस्टर बोरिस को कॉन्फिडेंट बना दिया है और वो कुछ करना चाहते हैं. ऑफ चिले लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, वो क्या है, वामपंथी जो राजनीति है उनके नेता है और वो कुछ करना चाहते हैं चिले के लिए. बट ही शुड बी रेडी, लेकिन उनको इस बात के लिए तैयार होना हो जाना चाहिए, फ्रॉम अ स्टॉर्म, एक तूफान के लिए, एज ही सीक्स टू टेक ऑन पिनोशे कॉन्सेंसस. कॉन्सेंसस का मतलब हो गया अग्रीमेंट, क्योंकि अभी तक वहां पर जो पिनोशे थे उनका वहां पर राज था, उनका वहां पर डिक्टेटरशिप थी. अब वहां से वो डिक्टेटरशिप खत्म हुई है और उनकी जगह पे अभी प्रेजिडेंशियल इलेक्शन हुए जिसके अंदर मिस्टर बोरिस का मतलब उन्होंने अपनी जीत हासिल की है, और जीत हासिल करने के बाद अब उनको अपनी सरकार बनाएंगे वहां पर. उससे पहले उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम जो पिनोशे जो कि वहां के डिक्टेटर थे उनके उनको अग्रीमेंट लेना पड़ेगा, उनकी सहमति लेना पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रॉम से कम नहीं है, एक तूफान से कम नहीं है. तो कहने की बात यह है कि मिस्टर बोरिस के लिए जो आगे की डगर है वो इतनी आसान नहीं है, और उन्होंने जो प्रोमिसेस किए थे उन प्रोमिसेस को अब एग्जीक्यूट करना, उनको एक्शन में लेकर आना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर हिम. तो ये उनके लिए इतना आसान काम नहीं होने वाला है. राइट, इट वॉज ए वंडरफुल आर्टिकल टूडे, पॉलिटिकल आर्टिकल था आज का हमारा ये. लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट. देखो, वुड बी स्वॉन, वुड बी, वुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया. ग्रोथ आपका नाउन हो गया, तो सेगिंग आपका वी वन प्लस आई एन जी जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर. एंड पुट द विन इन द सेल जो कि आपका एक एडियम है जिसका मतलब होता है टू मेक समवन फील मोर कॉन्फिडेंट टू डू समथिंग, यानी किसी को, यानी कोई इंसान कॉन्फिडेंट कर, किसी इंसान को कॉन्फिडेंट बनाना, किसी इंसान को आत्मविश्वास दिलाना कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं पुट विन इन द सेल्स. राइट, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.